दक्षिण कोरिया के बहाने किम की अमेरिका को सीधी चुनौती। नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर के नजदीक समंदर में दागे गोले। रात भर समुद्री इलाके में करीब 80 गोले दागे गए। नॉर्थ कोरिया के आर्टिलरी अटैक पर दक्षिण कोरिया की आपत्ति। दक्षिण कोरिया ने यह भी कहा है नॉर्थ कोरिया मस्ट पे अ प्राइज। चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ दक्षिण कोरिया, उनका कहना है नॉर्थ कोरिया मस्ट पे अ प्राइज। हु विल मेक नॉर्थ कोरिया पे अ प्राइज? व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्राइज? ओनली रेटरिक, केवल यह बयानबाजी है या उसके आगे की कोई बात है? नॉर्थ कोरिया को कौन साध पाया है जो आगे साध पाएगा? कौन है? और कहते हैं निर्वस्त्र से तो ऊपर वाला भी डरता है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया, ये जो किम जोंग उन है, उस पर कौन लगाम लगा पाएगा? यहां देखिए ये तीनों अहम खबरें नॉर्थ कोरिया, कोरियन पेनिनसुला में। इसीलिए मैं कह रहा हूं 180 डिग्री से चीजें घूमी है। अगर आप सोच रहे थे यूरोप में तनाव चल रहा है, तो आइए आपको लिए चलता हूं 180 डिग्री इधर कोरियन पेनिनसुला में आ जाइए और देखिए क्या चल रहा है। यहां देखिए ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो युद्ध का आग भड़का रहा है अमेरिका, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? अमेरिका की मौजूदगी में क्या हो रहा है? नॉर्थ कोरिया ने 180 फाइटर जेट्स उड़ा दिए आसमान में। उधर जवाब में 80 फाइटर जेट्स साउथ कोरिया के और 240 फाइटर जेट्स अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों के मिलाकर कुल 500 फाइटर जेट्स आसमान में। और सोचिए यहां का क्या नजारा रहा होगा, यहां की क्या अनुभूति रही होगी। लेकिन अब इसको आपको, अब ये जो मैं आपको कह रहा हूं इसको समझाते हैं, समझते हैं। आशीष प्लीज क्विकली मेरे साथ, ये जो हम बात कह रहे हैं जरा देखिए यहां पर बगैर टाइम गंवाए। अगर आपको ये समझना है कि कोरियन पेनिनसुला में आज क्या हुआ जो इसके पहले कभी नहीं हुआ, आज तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के तनाव में ये पड़ाव कभी नहीं आया। और अब इसका अंजाम आगे क्या होने वाला है, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो जरा देखिए इसको। यहां देखिए इन तस्वीरों को और इस आसमान को देखिए, इस समंदर को महसूस कीजिए और कोरियन पेनिनसुला, कोरियन प्रायद्वीप को महसूस कीजिए। ये है कोरियन प्रायद्वीप और उसमें आप देख रहे हैं मिलिट्री डिमार्केशन लाइन। और मिलिट्री डिमार्केशन लाइन जो असल में एक तरीके की मीडियन लाइन को सर्व करती है, मोटा मोटा समझ लीजिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वो हिस्सा है जहां डीमिलिटराइजेशन को लेकर दोनों के बीच में सहमति बनी हुई है और कहा गया है कि पर्टिकुलर एरिया में दोनों तरफ की कोई मिलिट्री नहीं होगी। और उसी को एक्सटेंड कर देते हैं अगर आप समंदर में, तो ईस्ट सी और येलो सी में वो समंदर में एक बफर जोन का काम करता है, वहां पर ये तनाव और इसका मतलब। आशीष प्लीज एक्सप्लेन। अनप्रेसिडेंटेड ये नंबर है और ये एक्टिविटी है। 500 एयरक्राफ्ट एक साथ में डिप्लॉयड, उसमें से मोस्टली हवा में। ये न केवल कोरियन प्रायद्वीप में बल्कि विश्व में रीसेंट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े नंबर्स आपको नहीं दिखाई देते। वो इसलिए क्योंकि हर जगह आपको किम जोंग उन जैसा सनकी लीडर नहीं मिलेगा। ग्राफिक्स में जो सबसे पहले दिनेश जी आप देख रहे हैं, उसमें उत्तर की तरफ अगर आप देखेंगे, यानी कि दर्शकों के लिए हमारी तरफ जो एरिया है वो है नॉर्थ कोरिया। MDL जो मिलिट्री डिमार्केशन लाइन है, उससे उसके पास में आए नॉर्थ कोरिया की तरफ से 4 घंटे के अंदर में शुक्रवार की सुबह यानी कि आज 180 फाइटर जेट, और वो MDL के पहले से ही जो बफर जोन है 20 किलोमीटर पहले, जिसे TAL भी कहते हैं, टैक्टिकल एक्शन लाइन, जो कि एक एयर स्पेस लिमिटेशन के लिए मार्क किया जाता है, वहां से अंदर घुसे, MDL को टच करके वो वापस चले गए। और उसी के जवाब में साउथ कोरिया की तरफ से 80 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया गया, स्क्रैम्बल किया गया टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि जब आपकी तरफ इतनी तेजी से इतनी बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स आएंगे, वो भी 10 के 10 स्क्वाड्रन एक साथ में, तो फिर जाहिर सी बात है इन्हें रिएक्शन करना जरूरी था। 80 फाइटर जेट्स उन्होंने तुरंत डिप्लॉय किए और इस तरह से बगल में, ठीक बगल में वो समंदर का आपको हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, वो विशेष पर्पस से हमने दर्शकों के लिए इसलिए बनवाया है क्योंकि वहां पर एक एक्सरसाइज ऑलरेडी चल रही है, उसका नाम है एक्सरसाइज विजिलेंट स्टॉर्म, जिसमें 240 फाइटर जेट्स हैं, F-35 भी हैं, जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में एक्सरसाइज चल रही है। तो आप कुल मिला के 180 फिर 80 फिर 240 अगर आप देखें तो ये 500 फाइटर जेट्स पूरी तरह से डिप्लॉयड कुछ समय के लिए लगभग सारे एक साथ। आशीष आप ये कह रहे हैं 500 फाइटर जेट्स आसमान में, क्या यहां किसी तरीके की गलती, किसी एक्सीडेंट की भी गुंजाइश हो जाती है क्या? ओपी तिवारी सर, एक्सीडेंट से ही कोई तनाव और अगले पड़ाव पर पहुंच जाए। देखो दिनेश, ये 180 जहाज को एक साथ लॉन्च करना, ये आपके पास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बहुत सारे हो सकते हैं,
लेकिन इतने एयरक्राफ्ट को एक साथ लॉन्च करना, इससे बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक तो पहली बात, एयरक्राफ्ट फुली सर्विसेबल अगर नहीं हो तो फ्लाइएबल होना चाहिए। दूसरा, इतने बेसेज होने चाहिए कि जो 180 एयरक्राफ्ट को एयरबोर्न हो जाए उनको लैंड कर सके। इतने आपके पास आर्मामेंट होना चाहिए, रेडी होना चाहिए जो एक साथ तैयार कर सके। अभी तक नॉर्थ कोरिया के पास है वो पुराने एयरक्राफ्ट से, पुराने आर्मामेंट से, तो वो सोचते थे कि इतना इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन ये क्लियर कट दिखाता है कि हमारे एयरक्राफ्ट पूरे सर्विसेबल हैं और हम नंबर 180 नंबर एक साथ लॉन्च कर सकते हैं, जो किसी के लिए झेलना आसान नहीं होगा। अरे कितनी बड़ी बात है, 4 घंटे की गैप में 10 स्क्वाड्रन भले अलग अलग बेसिस से हो, 4 घंटे के ड्यूरेशन में ये किसी देश के लिए, किसी एयरफोर्स के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अब नाउ एक्सीडेंट की बात जैसे दिनेश जी पूछ रहे थे, ये चांसेज हैं। अगर प्लान नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, पायलट्स ट्रेन नहीं है, मीन्स आपके पास 180 क्रू फुली ऑपरेशनल, फुली ट्रेंड, मेडिकली फिट होना चाहिए। अब हम कहते हैं कि चाइना के पास 900 जहाज है, लेकिन 900 जहाज एक साथ लॉन्च नहीं कर सकता। तो 180 एक जगह लॉन्च करने के लिए मिस नॉर्थ कोरिया ने एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी शो की है, एक सिग्नल दिया है यूएसए को। तो ये असल में मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आशीष से जब मैं डिस्कस कर रहा था तो आशीष ने ये बात कही थी कि हाँ एक्सीडेंटल एस्केलेशन हो सकता है। विनोद ऑगस्टीन सर भी मुझको ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है सर, क्या बात है, क्या सुखद इत्तेफाक है। एक्चुअली मैं इंतजार ही कर रहा था कि हमारे एक और मेहमान कहाँ हैं और आप अब नमूदार हैं स्क्रीन में और बड़ा अच्छा लग रहा है सर, लेकिन आपके साथ में स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है वो बहुत भयावह है सर। 500 फाइटर जेट्स एक साथ कोरियन पेनिनसुला के आसमान में, इसका मतलब सर, राजीव नैन सर मैं आपके पास आने वाला हूं, प्लीज जी पहले विनोद ऑगस्टीन सर। ये आप किसी भी एंगल से देख रहे हैं तो बहुत ही डरावना और भयानक एक डिस्प्ले ऑफ पावर है, और डिस्प्ले ऑफ एयर पावर जो है वो जैसे आपने अभी अभी कहा एक्सीडेंटल एस्केलेशन की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, और ऐसे हो भी चुका है पहले, यानी कि हमें हिस्ट्री हमको दिखाता है कि कई बार ऐसे हो चुका है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सीडेंटल नहीं सर, एक्सीडेंट की बात तो तब आती है जब कोई सेन लोग आपस में डील कर रहे हो, वहां एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ तो किम जोंग उन एक्सीडेंट का पूरा एक पैकेट है, वो वहां कौन सा एक्सीडेंट, वो तो वहां तो क्या हो जाएगा कोई जानता नहीं है। अब मैं जरा इसको राजीव नैन सर से भी समझ लेता हूँ। राजीव नैन सर, जब ये इतने सारे, ये 180 अकेले नॉर्थ कोरिया के और इधर से 80 प्लस 240, ये किस तरीके का सिनेरियो रहा होगा, ये क्या पागलपन है दुनिया में। निश्चित ही देखिए, जैसा कि अभी तिवारी साहब ने बहुत सही बात बोली, ये एक दुनिया को सख्त था, दुनिया को एक तरह से नॉर्थ कोरिया की क्षमता पर, खास करके जो उनकी वायु क्षमता एयर पावर था उस पर सख्त जाहिर किया सकता था कि मिग का वो पुरानी एयरक्राफ्ट है, लड़ नहीं सकती है, 21 है, 29 है और उससे भी ज्यादा पुरानी है, तो इसी तरह शो करता है। लेकिन उसकी मिसाइल क्षमता देखिए, अभी आपने उस बात को नहीं उठाया, 2 दिनों से उसने 30 बैलिस्टिक मिसाइल्स भिजवाए हैं, तो इतना काफी दिनों से वह प्रोवोकेशंस पर लगा हुआ है, एक सिग्नलिंग दे रहा है अपनी क्षमता का कि देखो हमें कम मत आंको। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वह जो अभी अमेरिका ने और उसके जैसे साउथ कोरिया की अपने बात की, जापान उसमें तक है, इन लोगों ने भी बहुत जल्दी ही उन्हें 240 एयरक्राफ्ट जो उसमें कुछ सैनिक जो नेवल एयरक्राफ्ट जिसे कहते हैं वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया था, वो सब भी उसका उन्होंने उपयोग किया। सर आपने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है जो हम मिस कर रहे थे एक्चुअली, और जिसको शो में होना चाहिए था, और आपने वो जोड़ा है सर, कमाल की बात आपने कही है कि ऐसे ही नहीं हुआ है, इसको इसको इसकी पृष्ठभूमि के साथ देखिए, प्रीटेक्स्ट क्या है वो भी देखिए, जिस तरीके से मिसाइल फायर की गई है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अंधाधुंध 17 फायर की गई है एक साथ, उसके बाद आर्टिलरी शेल्स फायर किए गए इधर ईस्ट सी में भी और उधर येलो सी में भी, और उसके बाद ये 180 फाइटर जेट्स किम जोंग उन ने उड़ाए हैं और इधर जवाब में 240 प्लस 80 उड़ाए गए हैं। तो समझ लीजिए कि असल में किस तरीके का शो ऑफ स्ट्रेंथ चल रहा है, पागलपन चल रहा है।